नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करने वाले हैं लग्जमबर्ग की जॉब्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको लग्जमबर्ग की जॉब से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी दे दूंगा। आपको कहाँ जाना चाहिए, कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए और किस तरीके से जॉब मिल सकती है। दोस्तों अगर आप भी लग्जमबर्ग में जॉब पाना चाहते हैं, लग्जमबर्ग का वीजा पाना चाहते हैं, तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरे पीछे दोस्तों, मैं अभी आपको वर्क इन लग्जमबर्ग की वेबसाइट पे लेके आ चुका हूं, जो कि एक गवर्नमेंट वेबसाइट है। दोस्तों यहां पर आप कह सकते हैं कि फॉरेन वर्कर्स के लिए बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल होती हैं। अगर आप इस वेबसाइट पर जॉब ढूंढना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा दोस्तों, आपको बस इस वेबसाइट पर आना होगा। यहां पर आपको हर टाइप की जॉब्स देखने के लिए मिलती है। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज नई चीज दिखाता हूं दोस्तों। आप जैसा कि अपने स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं, वर्क इन लग्जमबर्ग की वेबसाइट पे जब आप आएंगे तो यहां पर लिखा हुआ है, सॉरी आई एम करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन एंड आई विल सून कम बैक अंडर अ न्यू वर्जन। ठीक है, अभी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है वेबसाइट, अभी जो है आप इस वेबसाइट पर जॉब्स ढूंढ नहीं सकते, ना ही अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि नए वर्जन के साथ जो है अभी कुछ दिनों में ये वापस आने वाली है, लॉन्च होने वाली है वेबसाइट। ठीक है, साथ ही यहां पर लिखा हुआ है, द रीवैम्प्ड रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म वर्क इन लग्जमबर्ग विल फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन प्रोफेशंस एक्सपीरियंसिंग अ सिग्निफिकेंट शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इन लग्जमबर्ग। अब बताया जा रहा है कि अब जो नया वर्जन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ ऐसी जॉब्स पे डिपेंड, मतलब ऐसी जॉब्स पे फोकस करेगा दोस्तों जो कि बहुत ज्यादा मतलब इन डिमांड है। अभी इन डिमांड प्रोफेशन जो है दोस्तों, जिसमें लेबर शॉर्टेज पड़ी हुई है, सिर्फ उन जॉब्स के लिए हायरिंग की जाएगी इस वेबसाइट के थ्रू। तो अब जो है हर टाइप की जॉब्स आपको यहां नहीं देखने के लिए मिलेगी, आप सिर्फ इन डिमांड जॉब्स देखने के लिए मिलेगी। अब आपको पता होना चाहिए कि इन डिमांड जॉब्स क्या है। ठीक है, तो यहां पर एक लिस्ट दी गई है दोस्तों, लेकिन ये लिस्ट जो है फ्रेंच लैंग्वेज में है, क्योंकि लग्जमबर्ग में फ्रेंच, जर्मन ऐसी लैंग्वेजेस चलती है, लग्जमबर्ग चलती है, इंग्लिश का थोड़ा कम इस्तेमाल होता है। और इंग्लिश का इस्तेमाल होता भी है तो बड़ी बड़ी कंपनीज में होता है, और मतलब बहुत कम जगह पे होता है। तो इसीलिए हम जब आपको बोलते हैं कि सर अगर आप लग्जमबर्ग जाना चाहते हैं तो इंग्लिश की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आपको इंग्लिश मतलब अच्छी लेवल की, थोड़ी बेसिक से ऊपर लेवल की आनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके अगल बगल सारे लोग ऐसे घिरे हुए हैं जिनको इंग्लिश आती ही नहीं है और आपको भी टूटी फूटी आती है, तो फिर कम्युनिकेट करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश की लेवल जो है आपका सही होना चाहिए दोस्तों। और जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो लिस्ट दी गई है वो फ्रेंच में, अगर मैं डाउनलोड भी करूँगा तो फ्रेंच लैंग्वेज में होगी दोस्तों। आप इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ डाउनलोड अगेन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर मैंने लिस्ट डाउनलोड कर ली है। ठीक है, लेकिन ये पूरी की पूरी फ्रेंच लैंग्वेज में है लिस्ट दोस्तों, हमें कुछ समझ ही नहीं आएगा कि क्या है क्या नहीं है। मैं आपको समझा तो सकता हूँ ट्रांसलेट करके, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा मैं आपको जो है यूरोपियन यूनियन की वेबसाइट पर ले जाकर के जानकारी दूंगा कि कौन कौन सी इन डिमांड जॉब्स है दोस्तों, और कौन कौन सी वेबसाइट पर आपको जॉब्स मिल सकती हैं, या फिर कौन कौन सी कंपनीज आपको हायर कर सकती हैं दोस्तों। तो बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है नोटिस टू एप्लीकेंट्स, अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, इफ योर क्वालिफिकेशंस, वर्क एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज स्किल्स अलाइन विद द रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस इन डिमांड प्रोफेशंस, विल लुक फॉरवर्ड टू वेलकम यू बैक टू वर्क इन लग्जमबर्ग सून। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो लिस्ट दी गई है, अगर इन लिस्ट के अकॉर्डिंगली आपके क्वालिफिकेशंस, वर्क एक्सपीरियंसेस, लैंग्वेज स्किल्स अलाइन करते हैं, मैच करते हैं, तो आपको जो है जल्द ही मौका मिल सकता है वर्क इन लग्जमबर्ग की वेबसाइट पे। ठीक है, तो अभी ये वेबसाइट तो ओपन हो नहीं रही है, तो हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें यूरोपियन यूनियन की वेबसाइट पे जाना है दोस्तों। आप देख सकते हैं यूरेस की वेबसाइट है और ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जो है आपको एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती है। आप अलग अलग कंट्री की जानकारी ले सकते हैं दोस्तों, लेबर मार्केट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि लेबर मार्केट मतलब पूरे मार्केट में जो है कौन सी जॉब्स में लेबर शॉर्टेज पड़ रही है, या फिर कौन सी जॉब्स के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं नेशनल लेवल मतलब आपको जो है जानकारी मिलेगी, और ये सारी की सारी जानकारी जो है 2023 की होने वाली है। ऑब्वियसली 2024 का डेटा तो आएगा नहीं, पिछले साल के डेटा के अकॉर्डिंगली ही आपको जानकारी दी जाएगी कि पूरे साल में कितने जॉब्स में लोगों की जरूरत थी, कितने जॉब्स में लोगों का मतलब लोग हायर किए जा रहे थे। ये सारी जानकारी पिछले साल के अकॉर्डिंगली ही होगी। कुछ लोग आकर के लिख देते हैं कि ये तो 2023 का डेटा है, तू क्या बता भाई। ऑब्वियसली पिछले साल का ही डेटा होगा, अभी 2024 खत्म भी नहीं हुआ है, पहला क्वार्टर भी खत्म नहीं हुआ है, तो किस तरीके से आपको बताया जाए। तो इस चीज को आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ब्रीफ ओवरव्यू बताया जा रहा है दोस्तों, यहां पर बताया जाएगा कि टोटल डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट कितना था, कितने लोग वहाँ के काम कर रहे थे, कितने लोग क्रॉस बॉर्डर काम कर रहे थे, यानी कि बाहर से जाकर के लग्जमबर्ग में काम कर रहे थे। यहाँ पर आपको बहुत सारी जॉब मतलब चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी उससे रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें हमारे काम की है नहीं दोस्तों। इसको हम स्क्रॉल कर देते हैं, जो काम की चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एज ऑफ जनवरी 1, 2022, यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है दोस्तों कि जनवरी 1, 2022 तक जो है सबसे बड़ी कंपनीज कौन कौन सी थी जो आपको हायर कर सकती थी, या फिर अभी भी कर रही है दोस्तों, क्योंकि बड़ी कंपनीज थी तो ऑब्वियसली अभी भी बड़ी ही होंगी। इन कंपनीज में आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, और ये सबसे ज़्यादा वर्क परमिट वगैरह जो है मतलब और लोगों को जो है हायर वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर द CFL ग्रुप है दोस्तों, द पोस्ट लग्जमबर्ग ग्रुप है, द कैक्टस ग्रुप है, द डसमैन लग्जमबर्ग ग्रुप है, amazon.com है, BGL BNP परिभाष है, उसके बाद गुडियर डनलप टायर्स ऑपरेशंस है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद द मित्तल आर्सलर ग्रुप है, और उसके बाद
प्राइस वाटर हाउस कॉपर्स है और उसके बाद लक्स एयर है दोस्तों। ये 10 कंपनीज के बारे में मैं पहले भी आपको बहुत बार बता चुका हूँ, आपने अगर हमारी वो वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा दोस्तों, ठीक है। इन कंपनीज की वेबसाइट पे आप आसानी से जा सकते हैं, आपको जो नाम मैंने आपको बताए हैं इन नाम को जा करके आपको कॉपी करना है, पेस्ट करना है और आपके सामने जो है उनकी वेबसाइट आ जाएगी दोस्तों। वेबसाइट आता ही उनके करियर पेज पे जाइए, जॉब्स वाले पेज पे जाइए और वहां पर जो आपको जॉब्स मिलेंगी उन जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिए दोस्तों। याद रखिएगा सीवी कवर लेटर जो है दोस्तों आपका वो यूरोपियन स्टैंडर्ड का होना चाहिए। अगर यूरोपियन स्टैंडर्ड का सीवी कवर लेटर नहीं है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, या फिर आप हमारे चैनल पे अवेलेबल वीडियोस देख सकते हैं और वहां से सीख सकते हैं कि किस तरीके से अपना सीवी कवर लेटर बनाना है, ठीक है। यहां पर मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी बड़ी कंपनीज है और जो आपको हायर कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही यहां पर अगर आप दूसरी लिस्ट देखोगे ना तो ये मेन एम्प्लॉयर्स की लिस्ट है कि वहां पर कौन कौन से एम्प्लॉयर्स अभी सबसे मतलब टॉप नंबर पे हैं या फिर जो सबसे ज्यादा लोगों को हायर कर रहे हैं जो लग्जमबर्ग के मेन एम्प्लॉयर्स हैं दोस्तों, उनकी लिस्ट आप एक्सेस कर सकते हैं और उस जानकारी से जो है आप उनके अंडर भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस जानकारी को बंद करते हैं। अब यहाँ पर बताया जा रहा है वेयर आर द अवेलेबल जॉब्स, जॉब्स कहाँ पर अवेलेबल है। सबसे पहले अगर आप इसको ओपन करेंगे तो 2023 में जो टॉप 10 इन डिमांड जॉब्स थी वो आपको बताई जा रही है दोस्तों। आईटी में थी, अकाउंटेंट्स की जरूरत थी, सेक्रेटरीज की जरूरत थी दोस्तों, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल ऑडिट एंड कंट्रोल की जरूरत थी। उसके बाद किचन एड, किचन स्टाफ वगैरह जो होते हैं दोस्तों, डिशवॉशर वगैरह होते हैं जो, फिर किचन हेल्पर वगैरह होते हैं उनकी जरूरत थी। उसके बाद क्रेडिट एनालिसिस एंड बैंकिंग रिस्क में जो है लोगों की जरूरत थी दोस्तों। उसके बाद केटरिंग सर्विसेज में लोगों की जरूरत थी, डिफेंस एंड लीगल एडवाइस में लोगों की जरूरत थी, कंसल्टिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में लोगों की जरूरत थी, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंजीनियरिंग में लोगों की जरूरत थी, ठीक है। ये कुछ 10 इन डिमांड जॉब्स आपको बताई जा रही है दोस्तों जिसमें लोगों की जरूरत थी। अगर आप भी इनमें से रिलेटेड किसी भी जॉब में काम कर चुके हैं या फिर करना चाहते हैं तो आपके पास मौका है दोस्तों, बस वर्क इन लग्जमबर्ग की वेबसाइट को जो है मेंटेन होने दीजिए, मेंटेनेंस पूरा हो जाएगा, आप जाके वहाँ जॉब ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको वही जॉब्स से रिलेटेड जानकारी वगैरह बताई जाएंगी। साथ ही यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा वेयर आर द अवेलेबल वर्कर्स, इस वाले ऑप्शन में जो है दोस्तों आपको कुछ वेबसाइट्स देखने के लिए मिलेंगी जिन वेबसाइट्स पे जाकर के आप अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लेबर मार्केट इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको दे दिया दोस्तों। यहाँ पर पावरफुल करियर प्लेटफॉर्म फॉर टैलेंट्स एंड लग्जमबर्ग एम्प्लॉयर्स में एक वेबसाइट दी गई दोस्तों, उस वेबसाइट का नाम है वर्क इन लग्जमबर्ग, जिस वेबसाइट पर सबसे पहले मैं आपको वीडियो में लेके गया था, ठीक है। वो वेबसाइट सबसे पावरफुल है इस वक्त लग्जमबर्ग में अगर आप जॉब ढूंढना चाहते हैं तो। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड आपको वेबसाइट बताई जा रही है, फिर www.adem.public.lu की वेबसाइट बताई जा रही है दोस्तों, जहां से आप एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड जानकारी वगैरह ले सकते हैं और जॉब्स वगैरह अगर वहां पर अवेलेबल होंगी तो वो भी कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद monster.lu, उसके बाद jobs.lu, jobfinder.lu, moviejob.com, optioncareer.lu और indeed.lu की जॉब्स मतलब वेबसाइट्स के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों, जहां पर जाके अपने लिए आप जॉब ढूंढ सकते हैं और ये यूरोपियन यूनियन की वेबसाइट पर बताया जा रहा है, ठीक है। इन वेबसाइट्स पर सबसे ज्यादा जॉब्स आपको देखने के लिए मिलेंगी और आप बहुत आसानी से इन जॉब्स के लिए अप्लाई भी कर पाएंगे, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी जॉब ढूंढने में। सही जॉब ढूंढ लोगे, सही तरीके से अप्लाई करोगे, सही डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करोगे दोस्तों तो सही रिस्पॉन्स भी आएगा, ठीक है। सही डॉक्यूमेंट्स से मेरा मतलब है सीवी कवर लेटर। तो भैया ये सारी की सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। साथ ही नीचे जो है होरेका रिलेटेड अगर आप जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, होरेका यानी कि होटल और रेस्टोरेंट रिलेटेड जॉब्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक अलग वेबसाइट दी गई है दोस्तों, www.horesca.lu/fr/joblist, ठीक है। तो आप इस पे भी जा सकते हैं। खैर आप अगर इस यूरोपियन यूनियन की वेबसाइट पर आएंगे तो सारी जानकारी आपको ऐसे ही मिलने वाली है। तो इस वेबसाइट की लिंक जो है मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप यहां से सारी की सारी जानकारी ले सकें, कंपनीज का नाम जान सकें और ये जॉब पोर्टल जान सकें दोस्तों और अपने लिए उसी तरीके से अप्लाई कर सके, ठीक है। तो होरेका से रिलेटेड आपको जॉब्स वेबसाइट देखने के लिए बताई जा रही है दोस्तों, फाइनेंस से रिलेटेड, मैनुअल और क्राफ्ट ट्रेडिंग से रिलेटेड वेबसाइट बताई जा रही है दोस्तों, होलसेल और रिटेल ट्रेड और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड भी एक वेबसाइट बताई जा रही है जहां पर आपको जॉब्स मिल सकती हैं। तो यहां पर पूरी की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी दोस्तों यूरोपियन लेबर से रिलेटेड। तो आपको मैं बस इतना ही सजेस्ट करूंगा, अगर आप भी लग्जमबर्ग जाना चाहते हैं तो एक बार इस वेबसाइट पर जरूर आइए, लग्जमबर्ग से रिलेटेड जानकारी लीजिए, इन डिमांड जॉब्स के बारे में पढ़िए और उन जॉब्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं दोस्तों और उसके अकॉर्डिंगली जो है तैयारी कर सकते हैं। जैसी वेबसाइट ऑन होगी वर्क इन लग्जमबर्ग की, आप वहां जाकर के फिर जॉब ढूंढ के अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, बहुत आसानी से आपको जॉब मिल सकती है। बाकी अगर वर्क इन लग्जमबर्ग पर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो आप बाकी की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वहां पर अवेलेबल जॉब भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। जरूरी है कि सिर्फ इन डिमांड जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे तो आपको जॉब मिलेगी या फिर वीजा मिलेगा, आप नॉर्मल जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और एम्प्लॉयर को अगर आपके स्किल्स पसंद आए दोस्तों, अगर आपकी मतलब क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंसेस पसंद आए दोस्तों तो आपको भी हायर किया जा सकता है। तो इस चीज के लिए भी रेडी रहिएगा और मतलब तैयारी करते रहिएगा दोस्तों, सही जगह पे अप्लाई करते रहिए, जरूर से जरूर रिस्पॉन्स आएगा दोस्तों। तो आई होप आपको जो है आज का ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे थे पब्लिक इंजन, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।